क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद मुहीफ है। अच्छा जी, क्या करते हैं आप? हम लकड़ी वकड़ी कटा रहे हैं भैया। लकड़ी कटा रहे हैं। तो आपको मोदी जी की सरकार क्यों अच्छी लगती है, बताइए विस्तार में। मोदी जी की सरकार इसलिए अच्छी लगती है, इसमें किसी का सोर्स कुआ नहीं चलता है। थाने वगैरह कहीं भी जाओ, किसी का मतलब सोर्स नहीं चलता, अपना खुद से जाओ, अपना काम करो। दूसरे कोई भी मतलब चीज़ है, हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही कि मतलब अखिलेश थे तो ये हमें मतलब सलाह ज़्यादा अच्छी थी, या मोदी जी हैं तो हमें तकलीफ हो रही, हमें कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। इसलिए मोदी जी की सरकार ठीक है, जहाँ पे है वो अपनी जगह पर ठीक है। और भी चीज़ें होंगी ना सिर्फ? अरे बहुत सी चीज़ें हैं मोदी जी की, मतलब जो मतलब हमें पसंद आई हैं। बताइए जो अभी ये तो एक चीज़ हो गई, जैसे कि जानवर छोड़ रखे हैं, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं, समझो। काफ़ी अच्छी लाभ मिल रही इनसे, समझो। जितने खन दिल करे उतने खन जाओ, हाँ किया उनका चोर ना आया गाँव में है, जब आदमी जागा तो ये चोर ही नहीं करी, समझो। एक लिए मतलब का यही चीज़ सब आराम है। तो आपको मोदी जी इस वजह से पसंद है कि वो जानवर? हाँ, मतलब जानवर ना आ रहे गांव, चोरी चारी ना हो रही हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है यार। और जानवर हैं, खाई हैं तो है ना, तुम मतलब खाते ना, बगैर खाए तो रोज चल रहे हो। लेकिन यहाँ बिस्वा में तो लोग बता रहे हैं कि जानवर सबसे बड़ी समस्या है, और आप मतलब बता रहे बिस्वा जिला में, मतलब हम तहसील में रहे थे, हमका जानवर से कोई सुरक्षा ना है दिक्कत, जानवर जो घूम रहे हैं हमका उनसे कोई प्रॉब्लम ना है। लेकिन किसानों को तो इससे नुकसान हो रहा है ना? अब किसान का नुकसान तो सबका हुई है ना, किसान का अगर नुकसान हो रहा है तो ऊपर वाला उनका वैसे दे ना रहा, मोदी जी दे ना रहे उनका 2000 रुपया महीना, हर महीने में खाते पर 2025। आपको 2000 रुपया महीना मिलता है? बिल्कुल मिलता है सर, खाते में आता है, खाते में आता है हमारे 2000 रुपये। और क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती? अब क्या चीज़, अगर फुर्सत से आए हो तो टाइम निकाले यार, हम मतलब जा रहे हैं। अरे कुछ और कुछ बता दो कि मोदी जी के आप इतने बड़े फ़ैन हैं, कुछ तो बताइए। अब मोदी जी का यार फ़ैन बताते हैं हमारे लिए, इससे अच्छा कहा जहाँ जाओ लकड़ी कटाओ, हम तुरंत पत्रकार आए जाते हैं, पूछे ताछते हैं भैया कट रही, हाँ कट रही, 2-4 हज़ार वही ले ले चले जाते हैं, तो इससे अच्छा कहा हुई है यार। पत्रकार हैं, लेखपाल हैं, इनका लोग ना आमदनी बढ़ गई, उसे बेचारे परेशान रह रहे हैं घर में। लेकिन सारे पत्रकार तो ऐसे नहीं होते होंगे ना? ये सारे पत्रकार ना, पत्रकार चाहे जैसा हो, खाली नाम का हो पत्रकार, बाकी वो और 1000-1500 ले जाते हैं कि हमका उनसे मतलब दिक्कत ना होते हैं, क्योंकि लकड़ी हमारी सुरक्षित पहुँचते हैं बिस्वा तक का, आराम से मंडी में बेचे थे, पप्पू बेग के लिए हड़त में है, कोई तकलीफ ना है। टिकट जहाँ करा 100 रुपया पड़ रहा है, वहाँ करा आजकल 400 रुपया पड़ रहा है। तो आप बिस्वा में ही रहते हैं या कहीं और रहते? रहते तो हम बखरिया गाँव में हैं, बाकी हम मोदी जी के फ़ैन हैं, वोट उन्हीं को देंगे, किसी को नहीं। मोदी जी के बहुत बड़े फ़ैन लग रहे हैं। बिल्कुल यार भाई जान, उनसे ज़्यादा हमका किसी सरकार में सुरक्षित मतलब ना बहन। हाँ, आपके ही शहर के बारे में हम बताते हैं कि आपके शहर से कुछ दूर दूर लखीमपुर खीरी पड़ता है। हाँ। यहाँ पर जिस तरह से मतलब चीज़ें हुई किसानों के साथ, उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी गई भैया, हमका तकलीफ ना, जो हमारे गाड़ी चढ़ी ना तो हम कहे कही थी कि मोदी जी चढ़ाएंगे, बताओ जो कोई चढ़ाए जिस जी के पर जो कोई, तो कहो के मोदी चढ़ाएगी है। लेकिन थे तो उनके सरकार के ही लोग। अब उनकी सरकार में तो हम हूँ ना, अपना या उनकी सरकार में बताओ बड़े भैया, आपो तो उनकी सरकार में हो। हमको किस तरह से कह सकते हैं आप, हमको किस तरह से कह सकते हैं? नहीं, आप उन्हीं के सरकार में है नहीं है, उनकी सरकार में है। तो लेकिन उनकी सरकार में है उनका मतलब कोई, वो कहते थोड़े किसी के जाओ तुम इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई दी जाएगी, मतलब मोदी जी हमसे फ़ोन लगा कहीं तो ना कि आपके ऊपर गाड़ी चढ़ाई दी जाए, कोई चढ़े गए हो तो गाड़ी घोड़ा है। अच्छा, लगता है कि आपको धोखे से चढ़ गई थी? अब धोखे से चढ़े गए हो या भैया सही का चढ़ाई दी हुए, मतलब मोदी जी उसे भी फ़ोन लगा कहीं तो ना है कि मतलब भैया जाओ उनके पर गाड़ी चढ़ाई दे जाए। मतलब आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? हमको भैया कोई फ़र्क है ही नहीं। तो आपको फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है अगर, मतलब क्योंकि किसानों की फसल अगर जानवर खा जाएं तो आपको उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं फ़र्क अगर जानवर फसल किसान के ना खाई है तो जानवर को खोई बताओ हमको, जानवर के यहाँ मतलब कुछ खाना देना पड़े है ना पड़े। गौ रक्षा करने वाले बहुत सारे लोग हैं यूपी में। अरे तो गौ रक्षा करने वाले हैं, सही आदमी हैं, मतलब गाय वैसे आदमी बांध लीस भूसा खवाए खवाए मार डरीस, गवा काट देस बेच दे जाए, और वैसे कम से कम जो जू चाहूगा खैस पीस 45 घूमे बैठे जहाँ जू चाहूगा, इससे कहाँ फ़र्क पड़ता भैया। ऊपर वाला देने वाला अगर तुम जाते हो खेत में, यहाँ सबके खेत में कहाँ 10 क्विंटल, इसे गाय नहीं चल रहा था 20 क्विंटल पैदा हो रहा है, अब गाय चढ़ जाए तब हूँ 2-4 क्विंटल हो जाए, तो उतने पहले होते रहे। तो 2000 रुपये खाते में आता है? 2000 रुपये खाते में आते हैं। और जो घर बनाने की जो योजना थी? अरे योजना दी यार हम घूमे, मतलब जाने नहीं पान कौन योजना दी, बाकी देश होती तो हम बता। आवास योजना? हाँ आवास योजना दी से। और ये जो महंगाई है तो ये किस? अरे महंगाई तो भाई जौने हिसाब से महंगाई वही हिसाब से ना पैदावार ना है, इससे पहले 10 आना चल रहा है 20 आना चल रहा है तब आदमी भूखे मरा जा रहा है, तो अब तो अति महंगी हर एक चीज़ है।
आदमी कोई भूखे मरा भूखा जाते? भूखा तो अभी भी इस देश में बहुत भूखा, भूखा। अरे तो ये चीज कंगाली मतलब भैया सब दिन छाई रही समझे हो, तुम गरीब हो तुम काम 10,000 दे थोड़ी बात, तुम अमीर हो जी हो। गरीबी में और भूखमरी में आज भी मतलब भारत बहुत नीचे आता उसका जो, इससे पहले भी भारत नीचे था, जब मोदी जी की सरकार नहीं थी तब भी भारत नीचे था समझो, आज मोदी जी की सरकार है तब भी नीचे है। इससे मतलब मोदी जी की सरकार में ये तो है नहीं कि देश कर्जे में चल रहा है, इससे पहले कर्जे में नहीं था। मतलब अभी कर्जे में नहीं है? नहीं अभी कर्जे में है, इससे पहले भी कर्जे में था। अब तो मोदी जी तमाम काला धन भी पकड़ लिया। कहाँ पकड़ लिया? कल अभी जो नोटबंदी की थी अभी कल उसका 5 साल हुआ है, तो क्या मतलब ये काला धन जो वापस आने वाला था क्या आ गया है वापस? आ नहीं गया, मगर मोदी जी ने इसीलिए तो मतलब नोटबंदी की थी कि काला धन मिल जाएगा। अब नहीं आया कहाँ? अब नहीं आया, जो थोड़ा बहुत तो मिला है, ऐसा थोड़ी नहीं मिला है, बिल्कुल थोड़ी बंद हो गया कि मिला ही नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत मिला। बाकी हमें भाई परेशानी कोई नहीं। आप लाइन में लगे थे जब नोट बदलने का काम किया? हमारे पास इतने पैसे छुट्टे थे, हम दूसरों को थोड़ा थोड़ा के देते थे, हमें लगने में क्या ज़रूरत है, इतना पैसे नहीं बैंक बैलेंस रखते हैं जो मेरे जो लाइन में लग लग कर जिनकी जाने चली गई। जिनके पास जाने क्यों जाए, काहे इतना पैसा कमाओ जो जाने चली जाए। थे तो वो भी गरीब ना है? जिनके पास मेहनत की कमाई थी और जो वो गरीब आदमी था उसके पास बैंक बैलेंस नहीं था। गरीब आदमी तो अमीर आदमी के चक्कर में मतलब 100 रुपया लेके लाइन में खड़े होकर मर के जाए सर, समझो, उनसे हमका क्या करें, काहे 200 रुपये में कह जाओ लाइन में लगे। आप नहीं खड़े हुए थे? नहीं हम नहीं खड़े हुए थे, ना हम खड़े हुए ना कभी खड़े होंगे। बैलेंस जितना अपने पास रखो। गाड़ी में पेट्रोल 110 रुपये का भराते होंगे? जी एक बार पूरी टंकी भरा ला, हमका कहाँ फर्क पड़ता है, कोई कि सौदा लेवा को हम काट देवा जाएगी हैं, हमका परेशानी भैया ना है दिन को। मोदी जी की सरकार अब किले बनी है फिर बनी रहे, हम हमेशा वोट मोदी जी का देवा किसी के नहीं। मोदी जी की सरकार हम अत्यंत सुरक्षित है कि गेहूँ काटे के नए पड़ते हैं गैया चले जाते हैं, सुकून हमका बहुत मिलत भैया, हमका काम ना करे पड़े। बाकी मतलब मोदी जी की सरकार हमका कोई दिक्कत नहीं। तो आने वाले इलेक्शन में क्या लगता है मोदी जी की सरकार फिर आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी यार भाई, मोदी जी की सरकार आएगी, जब वोट देवा तो वो ना आएगी यार, तुम बताओ जब वोट देवा वो मोदी जी का तो सरकार। लेकिन अभी चुनाव जो आ रहे हैं वो विधानसभा के चुनाव है और वो आप लखनऊ जो है यहाँ से 80 या 90 किलोमीटर होगा और इस विधानसभा का जो है सीतापुर ये जो बिसवा है वो कस्बा है और यहाँ पे जो मुद्दे हैं वो आप तो नहीं बता रहे हैं कि यहाँ क्या मुद्दे होंगे, लेकिन जब सरकार बनेगी वो भाजपा की बने या सपा की बने या बसपा की बने या कांग्रेस की बने किसी की भी बने, लेकिन आपको लगता है कि भाजपा फिर से वापस आएगी? हाँ हमें लगता है भाजपा फिर से वापस आएगी। क्यों आएगी? अरे वो कोई अच्छे काम मतलब ख़राब काम ही नहीं किए जो ना आए। लोगों को लगता है कि योगी सरकार ने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है? नहीं योगी को मतलब नाम बदलने के लिए नहीं किया है, वो मतलब हम हैं आम जनता है, ये तो जिसका नुकसान हुआ वो बता रहा हमारा नुकसान हुआ, हम इनको वोट नहीं देंगे, सब मोदी जी को वोट देंगे। ये सब मतलब आदमी का एक वहम है कि हम मतलब वोट नहीं देंगे सपा को। लेकिन चुनाव तो विधानसभा के चुनाव है, तो आप इस बार मोदी जी को देखेंगे या योगी जी को? हाँ मोदी जी को देखेंगे जी, बहुत बड़े फैन लगते हैं वो तो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम मोदी जी के काफ़ी फ्रेंड हैं। और कुछ आखिरी बार कुछ कहना चाहेंगे कैमरे पर देख के? नहीं आखिरी बार कुछ नहीं, आखिरी बार यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी को वोट देंगे, उन्हीं की सपोर्ट करेंगे हम जितना हमसे हो सकेगा, बाकी ऊपर वाला जाने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।